अगर आप लोगों को भी भाई 10,000 के आसपास एक ऐसा गेमिंग फोन चाहिए जो कि आप लोगों को BGMI में बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे, प्लस उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाए जायरोस्कोप एंड अदर फीचर्स भी फोन के बहुत ही बढ़िया होने चाहिए, उस केस में आप लोगों को वीडियो को डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे स्मार्टफोन्स बताने वाला हूं जिनमें आप लोगों को भाई अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, डिस्प्ले 120Hz का देखने को मिलेगा एंड बैटरी चार्जिंग वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया देखने को मिलने वाली है। तो चलो हम लोग और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिस्ट में मैंने नंबर 3 पर रखा है लावा ब्लेज 3 5G को। इस वाले फोन के 6 128GB रैम वाले वेरिएंट को आप लोग सेल्स में आराम से 10,000 में परचेस कर सकते हो। फोन में आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 6nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है एंड 2.4GHz पे क्लॉक्ड है। एंड फोन में आप लोग आराम से 4 लाख+ के एंटीटू स्कोर्स निकाल सकते हो। देन LPDDR4X टाइप के रैम और UFS 2.2 स्टोरेज आप लोगों को फोन में देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल फोन का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, सच कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलती आप लोगों को फोन में। फोन बिल्कुल हैंग नहीं करता है एंड लैग वगैरह भी नहीं करता है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग गेमिंग के बारे में बात कर लें तो इस वाले फोन में आप लोगों को BGMI के अंदर 40fps का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड 40fps फोन ठीक ठाक हैंडल कर लेता है। आप लोग आराम से भाई मीडियम सेटिंग्स का गेम प्ले फोन में कर पाओगे। देन फोन में आप लोगों को जायरोस्कोप भी देखने को मिल रहा है एंड जायरो का परफॉर्मेंस भी फोन का अच्छा है, सच उतना ज्यादा डिले वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो फोन में आप लोगों को 6.56 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि 90Hz वाला है। डिस्प्ले क्वालिटी फोन की ठीक ठाक है, आप लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। देन बैटरी आप लोगों को फोन में 5000mAh की देखने को मिल जाएगी एंड चार्जर 18W का है जो कि आप लोगों को बॉक्स में ही मिलने वाला है। कैमरा सेटअप फोन में आप लोगों को 50+2MP बैक में देखने को मिलेगा एंड 8MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। बाकी फोन में एक और प्लस पॉइंट है, इसमें आप लोगों को भाई एकदम क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, कोई भी एड वगैरह नहीं देखने को मिलने वाले एंड ब्लूटूथ ईयर्स वगैरह भी नहीं है, प्लस ऑडियो जैक भी आप लोगों को फोन में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 10,000 के हिसाब से एक अच्छा डिवाइस है एंड आप लोगों को 6128 भी देखने को मिल जाएगा। नाउ फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 2 के स्मार्टफोन की, जो कि रहने वाला है रियलमी का C63 5G। ये फोन का 4GB रैम 128GB रैम वाले वेरिएंट आप लोगों को आराम से 10,000 में देखने को मिल जाएगा एंड इस फोन में भी आप लोगों को डायमेंसिटी 6300 देखने को मिलेगा। देन LPDDR4X टाइप के रैम है एंड UFS 2.2 स्टोरेज है फोन में, और ये वाला फोन भी आप लोगों को 4 लाख+ के अंदर जो स्कोर्स निकाल के दे देने वाला है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग गेमिंग के बारे में बात करें तो BGMI के अंदर इस वाले फोन में भी आप लोगों को 40fps का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा इस टाइम पे। बाकी 40fps का गेम प्ले फोन का काफी बढ़िया है एंड आप लोगों को जायरोस्कोप भी देखने को मिल जाता है, और जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस भी फोन का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप लोगों को ऐसा कोई भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल आप लोगों को मीडियम लेवल की गेमिंग वाला फोन भी करवा के दे देगा। इसके अलावा फोन में आप लोगों को 6.67 इंचेस का एक 120Hz वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि HD+ है। 120Hz की वजह से डिस्प्ले फोन का अच्छा खासा स्मूथ है एंड आप लोगों को क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल रही है। देन बैटरी फोन में आप लोगों को 5000mAh की देखने को मिल जाएगी एंड चार्जर 15W का बॉक्स में ही मिलने वाला है। बाकी कैमरा सेटअप आप लोगों को फोन में उतना कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता है, बैक में सिर्फ एक सिंगल कैमरा मिलेगा आप लोगों को 32MP का एंड एक 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। फोटोज वगैरह आप लोग ठीक ठाक क्लिक कर पाओगे इस वाले फोन से, बट इस फोन से अच्छा कैमरा फोन जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताने वाला हूं वो रहने वाला है। इस वाले फोन को भी आप लोग भाई आराम से फ्लिपकार्ट में जाके इस टाइम पे ही 10,000 में बाय कर पाओगे एंड मीडियम लेवल की गेमिंग और ओवरऑल एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फोन बढ़िया है, डेफिनेटली आप लोग इसे भी कंसीडर कर सकते हो। नाउ फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में आने वाले नंबर 1 के स्मार्टफोन की, जो कि आप लोगों को 10,000 के प्राइस पॉइंट में बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। हम बात कर रहे हैं मोटो G45 5G के बारे में। इस फोन का भी 4 128GB रैम वाले वेरिएंट को आप लोग इस टाइम पे 10,000 में बाय कर सकते हो। फोन में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 6nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है एंड 2.3GHz पे क्लॉक्ड है, और फोन में आप लोग भाई आराम से 4.5 लाख+ के एंटीटू स्कोर्स निकाल सकते हो। देन LPDDR4X टाइप के रैम और UFS 2.2 स्टोरेज आप लोगों को इस वाले फोन में भी देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल फोन का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया है, एज सच फोन में आप लोगों को किसी भी तरीके के लैग या फिर हैंग वगैरह के इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले हैं। स्पेसिफिकली अगर हम लोग गेमिंग के बारे में बात करें तो BGMI में इस वाले फोन में भी आप लोगों को सिर्फ 40fps का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट इस टाइम पे 10,000 में इससे अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को और कोई फोन निकाल के नहीं देने वाला है। FPS ये क्लोज टू कांस्टेंट मेंटेन कर लेता है एंड स्मूथ गेम प्ले आप लोग इस वाले फोन में आराम से कर पाओगे। देन जायरोस्कोप भी इस वाले फोन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और जायरोस्कोप की एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, एज सच आप लोगों को कोई भी डिले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल गेमिंग के हिसाब से आप लोगों को एक अच्छा डिवाइस देखने को मिल रहा है 10,000 में। अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो इस वाले फोन में आप लोगों को 6.5 इंचेस का एक 120Hz वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि HD+ है, आप लोगों को फुल HD+ नहीं मिल रहा है। देन बैटरी आप लोगों को 5000mAh की देखने को मिल जाएगी, प्लस 20W का चार्जर बॉक्स में ही मिलने वाला है। बाकी कैमरा सेटअप इस वाले फोन में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, बैक में एक 50+2MP का बैक कैमरा सेटअप है एंड फ्रंट में एक 16MP का सेल्फी कैमरा है। फोटोज वीडियोस फोन बहुत ज्यादा बढ़िया कैप्चर करता है, और 10,000 के हिसाब से आप लोग इसे बेस्ट कैमरा फोन भी कह सकते हो। देन डॉल्बी एटमॉस के स्टीरियो स्पीकर्स प्लस 3.5mm का ऑडियो जैक भी आप लोगों को फोन में देखने को मिल रहा है, प्लस फोन मोटोरोला की तरफ से आता है इसलिए वेगन लेदर फिनिश आप लोगों को मिल जाएगा एंड एक बिना ब्लूटूथ ईयर वाला एकदम
क्लीन एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा फोन में। एड वगैरह बिल्कुल नहीं आने वाले फोन के यूआई में। इस वाले फोन के 4 128 GB रैम वाले वेरिएंट को आप लोग अभी जाके फ्लिपकार्ट में डायरेक्ट 10,000 में बाय कर सकते हो बिना किसी कार्ड के। एंड मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पे इससे बेटर फोन आप लोगों को 10,000 में देखने को नहीं मिलने वाला, चाहे आप लोग किसी भी चीज के बारे में बात कर लो। नाउ इस वाली वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोग लिखने वाले कि भाई IQOO Z9 Lite को मैंने क्यों नहीं लिया वीडियो में, उस वाले फोन में आप लोगों को भाई जायरोस्कोप देखने को नहीं मिल रहा था, यही एक रीजन था जिस वजह से मैंने फोन को लिस्ट में नहीं रखा, अदरवाइज मैं उस वाले फोन को लिस्ट में रखने वाला था। बाकी इन सभी फोन्स के ऊपर आप लोगों के ओपिनियंस आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।